राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को महानगर में टाउन हॉल से आजाद चौक तक पदयात्रा निकाली। शुरुआत महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। सदर सांसद रवि किशन शुक्ल, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित कई वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा के रास्ते में जहां कहीं भी गंदगी दिखी उसकी सफाई भी की। पीछे पीछे नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां चल रही थी। आपको बता दें, सुबह 9:30 बजे पदयात्रा टाउन हॉल से निकली। सजे धजे घोड़ों के पीछे नगाड़े की धुन पर भाजपा कार्यकर्ता हाथ में पार्टी का झंडा और तिरंगा लिए आगे बढ़े। टाउन हॉल से शुरू होकर बेतिहाता स्थित हनुमान मंदिर, ट्रांसपोर्ट नगर चौकी, महेवा होते हुए आजाद चौक पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा तक पदयात्रा करते हुए पहुंचे। वहां कार्यकर्ताओं और नेताओं ने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। इस दौरान पदयात्रा में पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, विश्वजीताशु सिंह आशु, प्रदीप शुक्ल, सोमेश्वर पांडे, रितेश सिंह बब्बू और ईपी के मल शामिल थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पूर्व वित्त राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल ने कहा,
उन्होंने की जाए। हमारे सांसद महोदय का आगमन हुआ है, हम उनका भी सिख सभी धर्मों के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पे अपना उद्बोधन करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। ये चित्रगुप्त मंदिर सभा के हम पहले साधुवाद दे, सदर जी के साधुवाद दे, बस पूरे आपकी संस्था के, कि जितनी जागरूकता आप लोग करते हैं और जितना आप लोग जनवाते हैं लोगों को, और ये इतना बड़ा आप लोग परम धर्म कर रहे हैं, हम क्या बताएं। आप लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि हर त्यौहार हो, कौनो देश का बात हो, कौनो चिंता हो, आप लोग की संस्था, आपका समाज हमेशा खड़ा रहता है। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज गांधी जयंती पर आज हमारी पद यात्रा, चूंकि हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि 150 किलोमीटर हर सांसद चलेंगे, अपने बूथ से अपनी जनता को मिलेंगे। कहें कि हमेशा कहा जाते रहे कि भैया विधायक कहाँ हैं, सांसद जी कहाँ बाड़न, तो अब मुलाकात हुई सबसे डायरेक्ट। आज 6 किलोमीटर के बाद 3 महीना में तय भइल बाटे, 5 विधानसभा कवर होगा। और ये पूरे देश में स्वच्छता को लेके, गांधी जी की बातों को लेके, हमारी सरकार की बातों को लेके, कि हम लोग क्या कार्य कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं राष्ट्रहित के बारे में, ये देश प्रेम के बारे में, ये देश को देश सर्वोपरि कैसे है, गांधी जी क्या सोचते थे, लाल बहादुर शास्त्री जी क्या सोचते थे, ये सारी विचारधाराओं को लेके आज देश में एक मुहिम प्रधानमंत्री जी छेड़े हैं। और 303 सांसद आज निकल चुके हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो आप लोग आशीर्वाद बनाए, हम चलत है, हर हर महादेव। भारत एक गांधी जी के 150वीं जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने सांसदों के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। सांसद को भी 150 किलोमीटर की पदयात्रा करनी है। 150 लोग प्रत्येक दिन साथ रहेंगे, उसके साथ साथ जितने लोग भी जुड़ते जाएंगे वह उसी समूह में जुड़ करके जो है चलेंगे। यह कार्यक्रम तय किया गया है। साथ ही प्लास्टिक का और सब अगर कोई मिलता है तो सिंगल यूज प्लास्टिक को भी जो है हम लोग जो है निकाल कर करके जो उसको साफ करेंगे। और पूरे भारत को स्वच्छता का प्रधानमंत्री का जो आह्वान है उसको करने का काम करेंगे। श्री गांधी जी के मूल्यों को सब लोग धारण करें जितना संभव हो। अपनी आवश्यकता ही प्रमुख है, वह आवश्यकता जितनी सीमित हो वह आवश्यक है, यह संदेश बापू ने दिया था। गरीबों का कल्याण यह संदेश बापू ने दिया था। सभी को इस संदेश को लेकर के चलें और राम उनके आराध्य रहे हैं उसको लेकर के चलें।